वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स या फ्रेजनल डिस्टेंस क्या चीज़ है? फ्रेजनल डिस्टेंस बेसिकली ये बताता है कि मान लो आपके पास एक स्लिट है, ओपनिंग है, लाइट उसमें एंटर हो गई, लाइट एंटर होकर स्क्रीन पे गिर गई। आप ऐसा नहीं कर सकते कि डिफ्रैक्शन मन आया कभी भी लगा दो और मन आया आप बोल दो रे ऑप्टिक्स है, नहीं ऐसा नहीं है। कोई तो एक बाउंड्री होती होगी कि जब आपको ये पता लगता है कि भाई यहाँ पर अब डिफ्रैक्शन नहीं हो सकता, इंटरफेरेंस हो नहीं सकती, यहाँ पर रे ऑप्टिक्स ही चलेगा। देखो तो वेव ऑप्टिक्स कहाँ चलेगा? जब वेव्स आपस में सुपर इम्पोज होंगी, और सुपर इम्पोज कब होंगी? जब ओपनिंग बहुत छोटी होती है। जितनी छोटी ओपनिंग है बताया था वीडियो के अंदर, ब्रॉडनिंग उतनी ज़्यादा होती है, और इंटरफेरेंस भी आपस में सबसे ज़्यादा तब होता है जब होल इतना बड़ा होगा और टॉर्च लेके बैठ जाओ, बेंडिंग का होगी पूरी की पूरी, लाइट इसी तो स्क्रीन पे जाके गिरेगी, तो डिफ्रैक्शन लगेगा ही नहीं, तो सीधा रे ऑप्टिक्स लगेगा, वेव ऑप्टिक्स लगेगा ही नहीं उसमें। तो कैसे डिसाइड करेंगे कि डिफ्रैक्शन होगा या डिफ्रैक्शन नहीं होगा? तो अगर तो डिफ्रैक्शन होगी फिर तो कॉन्सेप्ट लगेगा वेव ऑप्टिक्स का, और अगर डिफ्रैक्शन नहीं होगी मतलब यार बेंडिंग हुई नहीं है, फिर कहाँ से वेव ऑप्टिक्स लगाओगे? फिर तो रे ऑप्टिक्स लगाओगे, सीधा रेज ही गिर गई, बात ही खत्म हो गई। तो पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक? और ये पहला बंदा जिसने बाउंड्री बनाई उसका नाम क्या था? फ्रेसनल। तो ये क्या बताता है? इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है। वो कहता है कि अंडर वॉट कंडीशंस कॉन्सेप्ट ऑफ रे ऑप्टिक्स आर वैलिड, रे ऑप्टिक्स कब लगेगा, वेव ऑप्टिक्स कब लगेगा, सिंपल। तो कब? डिफ्रैक्शन के अंदर लगाता है। अब इसमें रे ऑप्टिक्स एज अ लिमिटिंग केस ऑफ वेव ऑप्टिक्स को कह रहा है, भाई वेव ऑप्टिक्स जब नहीं चलता तो कौन सा ऑप्टिक्स आता है? रे ऑप्टिक्स आता है, तो लिमिटिंग केस बन जाता है, बात खत्म। अब जब चल ही रहा वेव ऑप्टिक्स और डिफ्रैक्शन हो ही नहीं रही, तो फिर रेज ही काम करेंगे और कर भी क्या सकते हैं। तो इसमें वो क्या कहता है, बेसिक कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है इसका, और बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मान लो आपके पास ये स्लिट है और ये स्क्रीन है, लाइट आई, अगर तो लाइट ठीक ठाक स्प्रेड हो गई, बढ़िया स्प्रेड हो गई, स्प्रेड बहुत बड़ा आ गया, ब्रॉडनिंग बहुत ज़्यादा हो गई लाइट की, फिर तो इसमें क्या लगेगा? वेव ऑप्टिक्स। फिर तो यहाँ इंटरफेरेंस होनी ही होनी है बीच में, क्योंकि बेंडिंग काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, और बेंडिंग ऑफ लाइट को क्या बोलते हैं? डिफ्रैक्शन। तो लगेगा डिफ्रैक्शन, वेव ऑप्टिक्स लगेगा। लेकिन अगर ब्रॉडनिंग होल बढ़े, ब्रॉडनिंग हुई नहीं, तो सीधा का सीधा लाइट स्क्रीन पे गिर गई, तो फिर क्या करोगे? वेव ऑप्टिक्स नहीं लगेगा, फिर क्या लगेगा? रे ऑप्टिक्स। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो सारा कुछ किस पे डिपेंड करता है? सेंटर पॉइंट के आगे के आसपास स्प्रेड कितना है, स्प्रेडिंग कितनी हो रही है, ये इंपॉर्टेंट है। तो वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं, काम करते हैं, जो एंगुलर विड्थ है उसकी वैल्यू, या एंगुलर विड्थ छोड़ो, एक्स की वैल्यू क्या होती है? एक्स का मतलब क्या था अगर आपको याद होगा? स्प्रेड बोलते हैं इसे, ये सेंटर पॉइंट है डिफ्रैक्शन में, तो ये क्या था? फर्स्ट मिनिमा, याद है? फर्स्ट मिनिमा, और डायग्राम ऐसा बनता था सेंटर पॉइंट पे, ये भी फर्स्ट मिनिमा, याद है? फर्स्ट मिनिमा नीचे, फर्स्ट मिनिमा ऊपर, क्लियर है? और ये इसका पूरा स्प्रेड है, क्लियर है यहाँ तक? तो ये स्प्रेड है, फर्स्ट मिनिमा, फर्स्ट मिनिमा। तो वो कहते हैं कि ये डिस्टेंस कितना है? एक्स, हमने 2x निकाला था, पर ये कह रहे हैं एक्स, चलो ब्रॉडनिंग एक तरफ से कैलकुलेट कर रहा है, तो एक्स की वैल्यू क्या थी? लैम्डा डी बाय स्मॉल डी, तो एक्स आ गया यहाँ पर। वो कह रहे हैं कि अगर ये डिफ्रैक्शन स्प्रेड एक्स छोटा है तो कॉन्सेप्ट ऑफ रे ऑप्टिक्स इज वैलिड, भाई स्प्रेड बना ही नहीं, एक्स है ही बहुत छोटा, यानी कि ब्रॉडनिंग, यानी कि वहां पर मैक्सिमम लाइट वहां पर नहीं गिरी, फैली नहीं, बेंडिंग नहीं हुई, तो रे ऑप्टिक्स लगा लेना। तो जैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं, मान लो एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, आपने याद नहीं करना एक्सपेरिमेंट, मैं समझाने की बता रहा है कि अगर मान लो स्लिट का साइज 10 mm है सिर्फ, और लैम्डा आपको गिवन है, तो यहां से स्प्रेड निकाल लिया मैंने, स्प्रेड आ गया 0.18 mm, 0.18 mm बहुत बड़ा नहीं होता, बहुत 1 mm बहुत छोटा है, 0.18 तो बहुत ही छोटा है, तो स्प्रेड क्या आया? नॉट क्वाइट लार्ज, छोटा आया, स्प्रेड छोटा आया, तो रे ऑप्टिक्स इज वैलिड इन दिस सिचुएशन। तो इसमें डिफ्रैक्शन के फॉर्मूला मत लगाना, वो कहता है क्या लगाना? रे ऑप्टिक्स के फिनोमेना लगा देना। तो ये बता रहा है कि डिफ्रैक्शन कब लगेगी और रे ऑप्टिक्स कब लगेगा, ये फ्रेजनल ने बताया हमें, पहला पॉइंट क्लियर है। अब वो और एक्सपेरिमेंट करता है, वो कहता है ठीक है एक एक्सपेरिमेंट करते हैं और एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं, हम क्या करते हैं, एक ऐसी वैल्यू निकालेंगे या एक ऐसा फॉर्मूला निकालेंगे, उस फॉर्मूले में आप वैल्यूज पुट करना, और वो फॉर्मूला आपको ये बता देगा कि रे ऑप्टिक्स लगेगा या डिफ्रैक्शन लगेगी, सिंपल, बस वैल्यूज पुट करनी है आपने। कैसे? वो कहते हैं काम करते हैं,
जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं डिफ्रैक्शन का, तो ये डिस्टेंस को किस किस नाम से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल डी, और स्लिट की विड्थ क्या होती है, स्मॉल डी, राइट। और जो स्प्रेड है, एक तरफ का जो स्प्रेड है, ये क्या होता है, एक्स। एक्स क्लियर है यहां तक? तो वो कहते हैं काम करते हैं, लेट अस सपोज अगर ये एक्स छोटा है, छोटा का मतलब या किस किसके इक्वल है, स्लिट के इक्वल इक्वल है, जो स्लिट है उसकी विड्थ क्या है, छोटा डी, और स्प्रेड भी कहते हैं छोटा डी आ गया, तो उस केस में स्क्रीन और स्लिट के बीच में डिस्टेंस को डी की जगह क्या नाम दिया, उसने अपना नाम लगाया, उसका नाम क्या था, फ्रेजनल। तो फ्रेजनल डिस्टेंस है, तो फ्रेजनल डिस्टेंस सोर्स या अपर्चर और स्क्रीन के बीच में दूरी है। और कैसी दूरी है, हमेशा तो नाम नहीं देते फ्रेजनल डिस्टेंस, वैसे तो कैपिटल डी देते हैं, लेकिन वो स्पेशल दूरी है जब स्प्रेड एक्स किसके इक्वल आ जाता है, जितनी स्लिट की विड्थ है। अगर ऐसा हो जाए तो कैपिटल डी को फ्रेजनल डिस्टेंस बोलते हैं। तो मान लिया यहां तक, तो कहते हैं काम करो, हमारे पास एक्स का फॉर्मूला भी क्या था, एक्स का फॉर्मूला था लैम्डा बड़ा डी बाय छोटा डी। आपने स्मॉल एक्स को क्या पुट करना है, स्मॉल डी, तो कैपिटल डी क्या बन जाएगा, डीएफ, यही है ना, एक्स की जगह स्मॉल डी, कैपिटल की जगह डीएफ, क्रॉस मल्टीप्लाई करके कौन सा डिस्टेंस आ गया, फ्रेजनल डिस्टेंस आ गया। तो फ्रेजनल डिस्टेंस कब आता है, जब एक्स की वैल्यू क्या हो जाती है, स्मॉल डी के इक्वल हो जाती है। तो ये आपके पास क्या आ गया, फ्रेजनल डिस्टेंस आ गया। अब आपको कि फ्रेजनल डिस्टेंस का करना क्या, हमने ये कंडीशन बनाई उसने, उसने कहा कि जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे ना अपना, तो उसमें अपना आप स्क्रीन और स्लिट के बीच में कोई दूरी रखेंगे कैपिटल डी, तो अगर वो दूरी कैपिटल डी फ्रेजनल से कम है, तो पक्का एक्सपेरिमेंट करने की आपको जरूरत नहीं है। आप क्या करें, देयर विल नॉट बी टू मच ब्रॉडनिंग, तो बहुत ज्यादा ब्रॉडनिंग नहीं होने वाली, तो कौन सा ऑप्टिक्स लगेगा, रे। तो अगर कैपिटल डी आपका स्क्रीन का, मतलब वो कह रहे हैं कि आप बस अपने स्क्रीन का डिस्टेंस मुझे बता दें, तो स्क्रीन के डिस्टेंस से ही मैं आपको बता दूंगा कि रे लगेगा या फिर डिफ्रैक्शन लगेगी। तो अगर आपका स्क्रीन का डिस्टेंस फ्रेजनल से इस डिस्टेंस से कम है, तो रे ऑप्टिक्स है, तो इसके अंदर df क्या है, d स्क्वायर बाय लैम्डा क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आ गया, स्मॉल d आ गया। तो या फिर अगर स्लिट की विड्थ इससे बड़ी है, एक ही बात है, तो भी क्या लगेगा इसमें, रे ऑप्टिक्स लगेगा, एक ही बात है, ये लगा लो या ये लगा लो, एक ही बात है। तो अगर स्मॉल d इससे कम है, तो कौन सा ऑप्टिक्स लगेगा, रे ऑप्टिक्स लगेगा, वो कह रहे हैं। और इस क्वांटिटी को क्या नाम दिया गया, फ्रेजनल जोन। तो ये फ्रेजनल जोन है, ठीक है। तो कह रहा है ये एक तरीका है जिससे आप बता सकते हो कि अगर छोटा डी ग्रेटर देन लैम्डा डी का अंडर रूट है, तो रे ऑप्टिक्स लगेगा, और अगर ये वैल्यू स्मॉल डी की छोटी आती है, तो क्या लगेगा उसमें, डिफ्रैक्शन लगेगा, ऐसा कुछ। क्लियर है यहां तक? तो ये आपका फ्रेजनल का टॉपिक है।